बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फूड ट्यूब। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मेरी अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं कुछ अरसे के लिए अपना यूट्यूब चैनल मुझे बंद करना पड़ा। तो अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ और सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी तक मेरे साथ रहे हैं। तो चलें जी, आज शुरू किससे करना था। आज मैंने ये एक कॉफ़ी बीटर मंगवाया था तो उसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगी और हम एक कॉफ़ी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलें जी, ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर करवाया है। ठीक है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है और इसके प्राइस भी मैं आपको शेयर करती हूँ। पहले मैं इसको खोल लूँ। चलें ये देखें, ये निकल आया। अब हम इसको भी खोलते हैं। ये हैंड बीटर है कॉफ़ी वाला। ये इसके प्राइस हैं, ये मुझे डिलीवरी चार्जेस डाल के 270 का मिला है। ठीक है जी, 100 इसके डिलीवरी चार्जेस थे, वैसे ये 170 का। ठीक है ना, कोई इतना महंगा नहीं था। और ये ठीक है जी, चलें जी, बहुत आसानी से इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, ये हर घर में होना चाहिए। आजकल कॉफ़ी का सीज़न शुरू होने वाला है। ठीक है जी, इसका यूज़ करने का सारा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसके सेल डालने हैं। ले जी, अब हम इसमें दो सेल डालते हैं। ये देखें, यहाँ से ऊपर से ओपन करना है इसको और ये देखें इसके अंदर ये। ठीक है, और इसी तरह फिर हमने इसको बंद कर देना है। रेडी हो गया है यूजिंग के लिए ये। ठीक है जी, इससे आप कॉफ़ी बनाएं, ऑमलेट बनाएं और इससे आप सैलड के ड्रेसिंग तैयार करें, बहुत कुछ तैयार हो सकता है। चलें जी, हम इससे कॉफ़ी रेडी करते हैं, आम सिंपल कॉफ़ी जो हम डेली यूज़ करते हैं। बनाने के लिए दूध को मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ और साथ ही मग में मैं 2 चम्मच के करीब नेस्ले की कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, ये हम तकरीबन 2 चम्मच कॉफ़ी ले रहे हैं, भर के ले ली। ठीक है जी, 2 चम्मच कॉफ़ी के और इसमें ही मैं चीनी डालूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है जी, आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी पानी, 1 चम्मच के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। और चलें जी, इसकी बीटिंग स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अच्छी तरह हमने इसको बीट करना है कि ये डबल हो जाए, तकरीबन ये डबल से भी ज़्यादा होनी चाहिए तकरीबन। चलें जी, इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें। इसको मैं अच्छी तरह अपने कॉफ़ी बीटर से बीट कर लेती हूँ। बीट ये हो गई है काफ़ी हद तक, लेकिन इसने काफ़ी ये ज़ोर लगाना पड़ा, इस मेरा थंब बेचारा रह गया, ज़रा बेचारा सुस्त सा है, लेकिन कोई बात नहीं, सस्ता भी है। ठीक है ना, आप भी मंगवाना हो तो पहले स्टार देख ले, रेटिंग देख लें किस तरह की है, उसके बाद मंगवाएं या इससे बेहतर क्वालिटी का मंगवा लें। लेकिन जिस तरह की इसकी वीडियो शेयर हुई है या जिस तरह मैंने इसको देखा है, उस तरह ये बिल्कुल नहीं काम कर रहा। लेकिन बहरहाल चलें, काम चल जाएगा बेचारे। ये पर्सनल कॉफ़ी के लिए आप रख लें, सिर्फ एक बंदे की कॉफ़ी इससे बन सकती है। आप जब फैमिली की कॉफ़ी इससे मत बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलें ये बन गया। अब हमारा दूध काफ़ी बॉयल हो चुका है, अब मैं दूध इसमें शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी मेरे लिए तो कॉफ़ी तैयार हो गई है।
गर्मा गर्म कॉफ़ी, थोड़ी सी गिर भी गया है दूध, कोई बात नहीं हम साफ कर। मैं इस पर कोको पाउडर शामिल कर रही हूँ मज़ीद इसका टेस्ट बेहतर करने के लिए, मज़े का। चले जी, आई होप आपको मेरी ये कॉफ़ी की रेसिपी पसंद आई होगी और मेरा जो इनबॉक्सिंग था कॉफ़ी बीटर का वो भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है जी, बिल्कुल आपसे साथ रियल वीडियो शेयर किया है कि किस तरह काम करता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई दस यूट्यूब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।